स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट। क्या करेंगे? वन वर्ड। ऐसे आपको एक दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा और नीचे चार ऑप्शंस दिए होंगे। आप लोगों ने बताना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं स्टार्ट। आप देखो, फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? फोर अल्टरनेटिव्स are suggested, ठीक है? Choose the correct option। क्या करनी है हमने? Correct option choose करनी है। क्या है? Four alternatives are suggested। चार alternatives जो है वो suggest किए गए हैं आपको। आप लोगों ने एक चूज करना है। हमारे पास है सक्सेशन ऑफ रूलर्स। क्या है? सक्सेशन ऑफ रूलर्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। क्या है? सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। डायनेस्टी ए है, डायनेस्टी, ठीक है, बी है लाइनेज, एल आई एन ई ए जी ई, सी है हमारे पास एंसेस्ट्री, और डी है प्रोगेनी। क्या है? प्रोगेनी। अब क्या है हमारे पास? सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। तो इसकी ऑप्शन आपने चुननी है। क्या मतलब है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली? क्या मतलब होता है इसका? शाबाश, बताओ। इसका मतलब है कि ए सीरीज ऑफ रूलर्स, ठीक है, ए सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। होता है ना, कभी एक राजा बनता है, उसकी डेथ होती है, उसका बेटा बनता है, उसकी डेथ होती है, उसका बेटा, ऐसे 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 ये जो है सक्सेशन, जो सीरीज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ये है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। तो इसमें ऑप्शन है डायनेस्टी, लाइनेज, एंसेस्ट्री या प्रोगेनी। तो तकरीबन इनके मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन देखो डायनेस्टी होता है ए सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, लाइनेज होता है इनहेरिटिव प्रॉपर्टीज शेयर्ड विद अदर्स ऑफ योर ब्लड ग्रुप। क्या है? लाइनेज होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज शेयर्ड विद अदर्स ऑफ योर ब्लड ग्रुप। और जो एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री क्या होता है? एंसेस्टर्स क्या होते हैं? पूर्वज हमारे। और प्रोगेनी, प्रोगेनी क्या होता है? प्रोगेनी होता है संतान। तो इसकी ऑप्शन आएगी डायनेस्टी। क्या आएगी? डायनेस्टी, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली। तो आप लोगों ने एंड में क्या लिखना है, ऐसे आंसर क्या दे देना है इसका, चूज करके डायनेस्टी। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट, ऐसे थोड़े थोड़े करेंगे। टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, क्या है? टू कट समथिंग, किसी चीज को काटना, टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, समझ आ गई? टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, किसी चीज को दो चीजों में, दो हिस्सों में काटना। तो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे करोड़पति भी आता है, तो आपके ऑप्शंस हैं, मैं लिख रही हूं बोर्ड पे कौन कौन से है। शाबाश, एक है एस सी बी आर ई सेवन, एस सी बी स्फीयर, बी है एस ई बी ई आर, एस ई बी ई आर, थर्ड वन है एस ई डब्ल्यू ई आर, ठीक है, और फोर्थ वन है आपके पास सो, एस ओ डब्ल्यू सो।
गिवन टू यू टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। सबसे पहले आप हर एक का जो मीनिंग है ना वो समझने की कोशिश करोगे। एस सी वी ई आर ई स्फीयर, स्फीयर होता है कठोर। क्या होता है? एस सी वी ई आर ई स्फीयर होता है कठोर। कठोर मीन्स जो काज करता है दूसरों को, जिसकी वजह से दूसरे सफर करते हैं। काजिंग समवन अदर टू सफर, कठोर इंसान होता है ना जो, जिसके दिल में दया नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। वो कोई उसकी वजह से कोई दूसरा सफर करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है स्वीयर। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की बर्बादी का कारण बनते हैं। ऐसी वी आर ई स्वीयर, ठीक है। स्वीयर होता है कठोर, विच काज अदर पीपल टू सफर बिकॉज ऑफ देम। समझ गए? चलो नेक्स्ट है एस ई वी ई आर सेवर। सेवर होता है तोड़ देना। तोड़ देना मीन्स कट ऑफ फ्रॉम ए होल। एस ई डब्ल्यू ई आर सेवर होता है ब्रूम स्टिक, नाला। ये क्या होता है? ब्रूम स्टिक यानी नाला। और सो होता है बीज बोना। तो यहां पर कौन सा लगेगा? ये है ना टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, तो इसमें एस ई वी ई आर लगेगा, तोड़ देना, ठीक है। तोड़ना किसी चीज को, तोड़ना पीसीज में तोड़ना। तो आपकी ऑप्शन आएगी बी, एस ई वी ई आर सेवन। समझ गए? चलो नेक्स्ट, फ्लैट मेटल। फ्लैट मेटल, ठीक है, और पार्किंग लेन। फ्लैट मेटल और पार्किंग लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल, प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल। क्या है? फ्लैट मेटल और पार्किंग लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। ठीक है, तो इसकी ऑप्शंस क्या है? टेबलॉइड, क्या ऑप्शंस है इसकी? टेबलॉइड, उसके बाद पोस्टर, ठीक है, टेबलॉइड पोस्टर बोर्ड, और डी आ गया हमारे पास प्ले, पी एल ए क्यू यू ई। तो ये है इसकी ऑप्शंस। तो क्या है? फ्लैट मेटल और पॉर्किलेन प्लेट फिक्स ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, फ्लैट मेटल, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? अब टेबलॉइड का मतलब होता है ए न्यूज़पेपर विद स्मॉल पेजेस। टेबलॉइड क्या होता है? एक न्यूज़पेपर होता है। क्या होता है? एक न्यूज़पेपर होता है। तो ये तो आएगा ही नहीं, फ्लैट मेटल और पॉर्किलेन प्लेट फिक्स ऑन वॉल, तो न्यूज़पेपर तो आएगा नहीं। दूसरा होता है पोस्टर। पोस्टर आपको पता है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पोस्टर लगाए जाते हैं। तीसरा है बोर्ड। क्या है? बोर्ड। वो है बोर्ड, क्या होता है? फ्लैट पीस ऑफ वुड, ठीक है, बोर्ड पता है ना, फ्लैट पीस ऑफ वुड। तो और जो प्लेट है वो होता है ए फ्लैट पीस ऑफ स्टोन और मेटल। तो यहाँ पे वही है, फ्लैट मेटल और पॉर्किलेन प्लेट। तो यहाँ पर आएगा ये वाला प्लेट। तो आंसर में आपके आ जाएगी ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए आप लोग? नंबर फोर, आर्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। क्या है? आर्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी, वो कला जिसके द्वारा किसी दूसरे को डिसीव किया जाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, इन ऑर्डर टू मेक मनी। क्या है? आर्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉड, रॉबरी,
फ्रॉड, रॉबरी, ठीक है, फ्रॉड आ गया उसमें, रॉबरी आ गई, पिक पॉकेट और थेफ्ट। पिक पॉकेट, डी आ गया थेफ्ट, ठीक है, समझ आ गई। आर्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी, वो कला जिसके द्वारा दूसरे को डिसीव किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक मनी, ताकि पैसा कमाया जा सके। तो ऑप्शन है आपके फ्रॉड, एफ आर ए यू डी, फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट और थेफ्ट, ठीक है, समझ आ गई। तो चलो इसमें फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, चीट करना किसी को, ठीक है, समझ आ गई। फ्रॉड क्या होता है, चीट करना। रॉबरी क्या होता है, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम ए प्लेस, किसी जगह से कुछ चुराना। पिक पॉकेट पता है आपको, जो क्या करते हैं, जेब कतरे। थेफ्ट क्या होता है, चोरी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यहां पर आएगा फ्रॉड, क्या आएगा, फ्रॉड, आंसर आएगा आपका ए, फ्रॉड, एफ आर ए यू डी, फ्रॉड, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। देखो फिर नेक्स्ट करते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी करेंगे, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। चलो ए शॉर्ट पोएम और स्पीच क्या है, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच ए शॉर्ट पोएम एक छोटी पोएम या स्पीच, ठीक है, एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स, ठीक है, आफ्टर द कंफ्यूजन ऑफ ए ड्रामा, आफ्टर द कंफ्यूजन ऑफ ए ड्रामा, ठीक है, ए शॉर्ट पोएम एक छोटी पोएम या स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंफ्यूजन ऑफ ए ड्रामा। तो ऑप्शन है आपके प्रोलोग, बी है आपके पास डायलॉग, सी है आपके पास प्रोलोग एपिलॉग, क्या है, सी है एपिलॉग और डी है मोनोलॉग। ठीक है, तो क्या है, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंफ्यूजन ऑफ ए ड्रामा। तो हमारे पास ऑप्शंस है प्रोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग और मोनोलॉग। तो प्रोलॉग का क्या मतलब होता है, प्रोलॉग होता है ए पीस ऑफ राइटिंग और ए स्पीच, ठीक है, दैट इंट्रोड्यूसेस ए पोएम, ए पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस ए प्ले और पोएम। और जो डायलॉग होता है ये कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, बिटवीन पीपल इन ए बुक, डायलॉग होती है कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन ए ग्रुप। और जो एपिलॉग होता है वो होता है ए शॉर्ट पीस दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक। आपने कभी बुक देखी होगी, उसके पीछे थोड़ा सा शब्द कोश या कुछ दिया होता है, वही होता है वो, क्या वो, उसको बोलते हैं एपिलॉग। और मोनोलॉग जो होता है वो होता है ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ए प्ले।
तो इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? आपका ऑप्शन आएगा एपिलॉग। क्या आएगा? एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग। सिक्स वन, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। Capable of being understood in either of two or more possible senses. In either of two or more possible senses. क्या है? Capable of being understood. ठीक है, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, and therefore not definite. तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं आपके पास amphibious, amphibious, एम्फीबियस है इसकी ऑप्शन, एम्बिगियस, एम्बिगियस, ठीक है, उसके बाद एमरफोस, AMORPHOUS, और डी ऑप्शन है आपके पास कंफ्यूजिंग। क्या है? कंफ्यूजिंग। तो क्या है हमारे पास? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एम्फीबियस, एम्बिगियस, एमॉर्फोस और कंफ्यूजिंग। तो एम्फीबियस क्या होता है? एबल टू लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियस क्या होता है? जो जो भी जानवर है या जो भी चीज है वो पानी में भी रह सकती है और धरती पे भी। एम्बिगियस क्या होता है? एम्बिगियस होता है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। यही है, ठीक है। और क्योंकि एमॉर्फोस जो होता है वो होता है हैविंग नो डेफिनेट शेप, और एम्बिगियस होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, एम्बिगियस। क्या आएगा? बी। एम्बिगियस, ठीक है। नेक्स्ट, समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, समझ आनी चाहिए आपको। ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। क्या है? ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। क्या है? ए पर्सन, एक पर्सन जो अपने डेब्ट्स को देने के लिए अनेबल है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। समझ गए आप? तो ये है, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं सॉल्वेंट बैंकर, सॉल्वेंट बैंकर। क्या है? सॉल्वेंट है, बैंकर है, अच्छा इनसॉल्वेंट है और लेंडर है। इनसॉल्वेंट और लेंडर। तो हमारे पास जो है चार ऑप्शंस हैं। तो ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? शाबाश, बताओ।
उधार लिया है उसको वापस कर सके। बैंकर तो होता है जो बैंक में काम करता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है डिसॉल्व ए लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व अदर सब्सटेंस। तो ये भी नहीं आएगा। लेंडर होता है जो मनी उधार देता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सी। क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन आएगा इनसॉल्वेंट। क्या आएगा? इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी चीज, ठीक है, जो जिसका आगे जाकर कोई भी इस्तेमाल नहीं है। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो ऑप्शंस है हमारे पास ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर, ठीक है। क्या है ऑप्शंस? ऑब्स्क्योर, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, अच्छा उसके बाद प्रिस्टाइन, PRISTINE। और उसके बाद है हमारी ऑप्शन लैप्स्ड। तो इनके ऑब्स्क्योर क्या होता है? ऑब्स्क्योर होता है नॉट इजी टू सी आर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, नॉट इजी टू सी आर अंडरस्टैंड। उसके बाद ये जो ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट का होता है नो लॉन्गर यूजफुल। यही लिखा है ना इन्होंने, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो हमें अपना ऑप्शन मिल गया है ऑब्सोलीट। क्या है? क्या आएगा इधर? ऑब्सोलीट, ठीक है। आ गई समझ? तो आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम कल करेंगे। इनको काफी दिन लगेंगे, आराम आराम से करेंगे थोड़े थोड़े, ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू।